हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ क्लास में स्वागत है। आज हर रोज उपयोग में आने वाला कुछ वाक्यों को सीखते हैं। तो सामने देखो अथवा आगे देखो, उसको कन्नड़ा में मुंदे नोडू बोलते हैं। सामने अथवा आगे उसको मुंदे बोलते हैं। तो देखो नोडू, तो सामने देखो अथवा आगे देखो उसको मुंदे नोडू बोलते हैं। तो आगे बढ़ो अथवा आगे जाओ अथवा आगे चलो उसको कन्नड़ा में मुंदे होगू बोलते हैं। तो आगे बढ़ो अथवा आगे जाओ आगे चलो उसको मुंदे होगो। तो सामने देखो अथवा आगे देखो उसको मुंदे नोडू, वही आगे बढ़ो अथवा आगे चलो अथवा आगे जाओ उसको मुंदे होगो बोलते हैं। आगे देखकर चलो, तो आगे मुंदे देखकर उसको नोडिकोंडो बोलते हैं। देख नोडू, देखकर नोडिकोंडो। तो आगे देखकर मुंदे नोडिकोंडो चलो होगो। तो आगे देखकर चलो, मुंदे नोडिकोंडो होगो बोलते हैं। तो बोलते समय नोडिकोंडो उसको छोटा कर देते हैं और बोलेंगे नोडकोंडो। तो नोडिकोंडो उसको नोडकोंडो करके बोलते हैं। तो आगे देखकर चलो उसको मुंदे नोडकोंडो होगो करके बोलते हैं। तो आगे देखकर चलो उसको मुंदे नोडकोंडो होगो। आगे बढ़ते रहो। तो आगे मुंदे बढ़ते रहो, होकता हीरो। इधर बढ़ते रहो तो एक्शन कंटिन्यूस में है, तो इसलिए इधर होकता हीरो करके बोलते हैं। तो आगे बढ़ते रहो उसको मुंदे होकता हीरो करके बोलते हैं। तो गाड़ी धीरे चलाओ। गाड़ी गाड़ियन्नो, धीरे निदानवागी, चलाओ होडिसु। तो गाड़ी धीरे चलाओ उसको कन्नड़ा में गाड़ियन्नु निदानवागी होडिसु करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज चलाना है तो चलाओ बोलते हैं, तो कन्नड़ा में होडिसु करके बोलते हैं। तो इधर गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ियन्नु निदानवागी होडिसु। यदि आप बोलना चाहेंगे बाइक धीरे चलाओ, तो इधर बाइक अन्नु निदानवागी होडिसु बोलते हैं। बाइक धीरे चलाओ उसको बाइक अन्नु निदानवागी होडिसु। यदि आप बोलना चाहेंगे कार धीरे चलाओ, उसको कार अन्नु निदानवागी होडिसु करके बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे साइकिल धीरे चलाओ, इधर साइकिल निदानवागी होडिसु करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज चलाओ उसको ओडिसु करके बोलते हैं। जैसे आप बोलना चाहेंगे दिमाग चलाओ, उसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? दिमाग को बुद्धि बोलते हैं। दिमाग चलाओ तो बुद्धि अन्नु होडिसु करके बोलते हैं। दिमाग चलाओ बुद्धि अन्नु होडिसु, तो इससे ज्यादा प्रयोग में तले अन्नु होडिसु करके बोलते हैं। जहां हिंदी में दिमाग चलाओ उसको बोलते हैं, तो कन्नड़ा में तले अन्नु होडिसु करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो तले तो सिर को तले करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो हिंदी में जैसे दिमाग चलाओ करके बोलते हैं, तो कन्नड़ा में तले होडिसु करके बोलते हैं। दिमाग तो बुद्धि होता है, मगर इसी तरह का वाक्य जैसे दिमाग चलाओ ऐसा हिंदी में बोलते हैं, तो कन्नड़ा में तले अन्नु ओडिसु करके बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, बट इसी तरह का मीनिंग का जो वाक्य प्रचलित है कन्नड़ा में, तो तले अन्नु होडिसु बोलते हैं। तो दिमाग चलाओ उसको तले अन्नु होडिसु करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो कोई भी चीज चलाना है होडिसु करके बोलते हैं। तो इधर गाड़ी धीरे चलाओ, उसको गाड़ी अन्नु निदानवागी होडिसु करके बोलते हैं। तो अपना काम करो, तो अपना काम करो, अपना निन्ना काम खेलसा करो नोडिको। तो अपना काम करो, निन्ना खेलसा नोडिको, उसको छोटा करके बोल देते हैं नोडको। तो निन्ना केलसा नोडको करके बोलते हैं, मगर करो तो कन्नड़ा में माड़ो करके बोलते हैं। तो इधर नोडको करके क्यों बोलते हैं? तो इधर अपना काम करो, जैसे आप नाराजगी दिखा रहे हैं, अपना काम करो, जब नाराजगी दिखाना है तो कन्नड़ा में निन्ना केलसा नोडको करके बोलते हैं। जैसे नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो अपना काम करो उसको निन्ना केलसा माड़ो करके बोलते हैं। यदि गुस्से में बोलते हैं या नाराजगी से बोल रहे हैं, तो अपना काम करो उसको कन्नड़ा में निन्ना केलसा नोडको करके बोलते हैं। तो ये गुस्से में प्रयोग किया जाता है। यदि नॉर्मल वे में यदि बात कर रहे हैं तो अपना काम करो उसको निन्ना केलसा माड़ो करके बोलते हैं। यदि गुस्से में बोल रहे हैं, नाराजगी से बोल रहे हैं, तो अपना काम करो उसको कन्नड़ा में निन्ना केलसा नोडको करके बोलते हैं। तो एक गुस्से वाला टोन में बोलते हैं। यदि नॉर्मल वे में बात करना है तो अपना काम करो उसको निन्ना केलसा माड़ो करके बोलते हैं। तो गुस्से में यदि बोल रहे हैं अपना काम करो उसको निन्ना केलसा नोडको करके बोलते हैं। तो उसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, तो उसका तो कन्नड़ा में अवनन्नु एकवचन पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवलन्नु एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो उसका अवनन्नु अथवा अवलन्नु ख्याल रखना नोडको करके बोलते हैं। तो इधर भी ख्याल रखना उसको नोडिको करके बोलते हैं। तो कोई भी चीज ख्याल रखना
तो कन्नड़ में नोड़को करके बोलते हैं। जैसा बच्चों का ख्याल रखना तो बच्चे, तो कन्नड़ में मक्कल बोलते हैं। बच्चों का ख्याल रखना, मक्कल अन्न नोड़को करके बोलते हैं। जैसे बोलेंगे ना टेक केयर ऑफ हिम और टेक केयर ऑफ हर, जहाँ टेक केयर करके बोलते हैं तो कन्नड़ में नोड़को करके बोलते हैं। तो इधर ख्याल रखना उसको नोड़िको करके प्रयोग होता है। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, बट कन्नड़ा में जिस तरह ख्याल रखना हिंदी में बोला जाता है तो कन्नड़ा में नोड़को करके बोलते हैं। इसी तरह का मीनिंग का वाक्य इधर कन्नड़ा में प्रचलित है। तो उसका ख्याल रखना, उसको अवलन्नु नोड़को करके पुल्लिंग एकवचन में बोलते हैं, वही अवलन्नु नोड़को करके स्त्रीलिंग एकवचन में बोलते हैं। तो उसका ख्याल रखना, उसको अवलन्नु नोड़को अथवा अवलन्नु नोड़को करके बोलते हैं। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो मेरी नन्ना, बात सुनो मातु खेलु, तो मेरी बात सुनो उसको नन्ना मातु खेलु करके बोलते हैं। तो मेरी बात सुनो नन्ना मातु खेलु। तो जल्दी आओ उसको बेगा बा करके बोलते हैं। जल्दी आओ बेगा बा, वही जल्दी आइए बेगा बन्नी करके बोलते हैं। जब आदर से बोल रहे हैं जल्दी आइए तो बेगा बन्नी करके बोलते हैं। तो मुझे देखने दो, मुझे देखने दो उसको कन्नड़ा में ननगे नोडलु बिडु करके बोलते हैं। तो इधर मुझे, ननगे, देखने, नोडलु, दो, बिडु, तो मुझे देखने दो उसको ननगे नोडलु बिडु करके बोलते हैं। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ उसको कन्नड़ा में पक्का के सरी करके बोलते हैं। इधर जैसे इंग्लिश में बोलेंगे मूव असाइड, मूव असाइड, तो कन्नड़ा में पक्का के सरी करके बोलते हैं। तो पक्का होता है और, जैसे आप बाएं और दाएं और करके बोलते हैं तो कन्नड़ा में, तो और को पक्का करके बोलते हैं। तो इधर एक तरफ हो जाओ मतलब एक साइड में चले जाओ, तो उसको कन्नड़ा में पक्का के सरी, तो कोई भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उसको एक तरफ हो जाओ उसको कन्नड़ा में पक्का के सरी करके बोलते हैं। इधर हो जाओ सरी, तो एक तरफ हो जाओ पक्का के सरी, तो मुंह असाइड, इधर सरी मतलब मुंह करके होता है, तो एक तरफ हो जाओ तो पक्का के सरी करके बोलते हैं। तो सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बोलो उसको कन्नड़ा में योचिसी माताड़ू करके बोलते हैं। इधर बोलो माताड़ू, सोच समझ कर उसको योचिसी करके बोलते हैं। तो सोच उसको योचने करके बोलते हैं, तो सोच समझ कर बोलो उसको योचिसी माताड़ू बोलते हैं, नहीं तो बुद्धिवंती के इंदा माताड़ू करके बोलते हैं। तो बुद्धिवंती के, इंटेलिजेंस, बुद्धिवंती के करके बोलते हैं। तो इधर सोच समझ कर बोलो उसको योचिसी माताड़ू अथवा बुद्धिवंती के इंदा माताड़ू करके बोलते हैं। तो जरूर आना, जरूर आना, तो जरूर उसको कन्नड़ा में खंडितवागी बोलते हैं। तो आना बा, तो जरूर आना खंडितवागी बा करके बोलते हैं। तो उसकी खबर देना, उसकी खबर देना, तो उसकी, उसको कन्नड़ा में अवना अथवा अवला करके बोलते हैं। तो अवना एकवचन पुल्लिंग में बोलते हैं, अवला एकवचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो उसकी खबर देना उसको अवना अथवा अवला बग्गे हेलु करके बोलते हैं। इधर उसकी खबर देना अथवा उसके बारे में बताना, तो कन्नड़ा में उसके बारे में, तो बारे में उसको कन्नड़ा में बग्गे करके बोलते हैं। तो बारे में, तो बग्गे, वही, तो उसकी खबर देना अथवा उसके बारे में बोलना उसको कन्नड़ा में अवना अथवा अवला बग्गे हेलु करके बोलते हैं। तो बारे में उसको बग्गे करके बोलते हैं। तो उसकी खबर देना अथवा उसके बारे में बोलना उसको कन्नड़ा में अवला बग्गे हेलु, एक वचन पुल्लिंग में बोलते हैं, तो अवला बग्गे हेलु, तो एक वचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। सो इधर उसके बारे में बोलना, जो बारे में, उसको कन्नड़ा में बग्गे करके बोलते हैं। तो उसकी खबर देना अथवा उसके बारे में बोलना तो उसको कन्नड़ा में अवना अथवा अवला बग्गे हेलु करके बोलते हैं। तो मजाक मत करो, मजाक मत करो, तो मजाक को कन्नड़ा में तमाशे अथवा हास्या करके बोलते हैं। तो आप तमाशे भी बोल सकते हैं, हास्य भी बोल सकते हैं। तो मजाक मत करो उसको तमाशे माड़बेड़ा अथवा हास्य माड़बेड़ा करके बोलते हैं। मत करो उसको माड़बेड़ा बोलते हैं। तो मजाक मत करो, तमाशे माड़बेड़ा अथवा हास्य माड़बेड़ा करके बोलते हैं। तो वही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसको परवागिल्ला करके बोलते हैं। जैसे आपसे गलती हो गया तो आप माफी मांगेंगे, तब सामने वाला बोलेंगे कोई बात नहीं, तो उसको कन्नड़ा में परवागिल्ला करके बोलते हैं। जैसे दट्स ओके करके इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो कोई बात नहीं उसको परवागिल्ला करके बोलते हैं। तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो अथवा मुझे अकेली छोड़ दो, तो उसको कन्नड़ा में नन्नन्नु बोलते हैं। तो मुझे नन्नन्नु, तो अकेला छोड़ दो अथवा अकेली छोड़ दो उसको ओंटियागी बिडु करके बोलते हैं। तो अकेला उसको ओंटियागी करके बोलते हैं। तो अकेला छोड़ दो या अकेली छोड़ दो उसको ओंटियागी बिडु, छोड़ दो उसको बिडु करके बोलते हैं। तो मुझे अकेला छोड़ दो अथवा मुझे अकेली छोड़ दो उसको नन्नन्नु ओंटियागी बिडु करके बोलते हैं।
तो ओंटी आगे पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, दोनों में ओंटी आगे करके बोलते हैं। तो मुझे अकेला छोड़ दो अथवा मुझे अकेली छोड़ दो, उसको कन्नड़ में नन्नन्नु ओंटी आगे बिडू करके बोलते हैं। तो अकेला या अकेली उसको ओंटी आगे करके बोलते हैं। तो छोड़ दो बिडू, तो मुझे अकेला छोड़ दो अथवा मुझे अकेली छोड़ दो, उसको कन्नड़ में नन्नन्नु ओंटी आगे बिडू करके बोलते हैं। तो जाने दो, जाने दो उसको होगली बिड़ो करके बोलते हैं। कोई भी चीज जाने दो उसको होगली बिड़ो करके बोलते हैं। यदि बोलना है मुझे जाने दो, तब नन्नन्नु होगलु बिड़ो करके बोलते हैं। तो मुझे नन्नन्नु जाने दो होगलु बिड़ो, तो इधर मुझे जाने दो उसको नन्नन्नु होगलु बिड़ो बोलते हैं। तो इधर जाने दो, कोई भी चीज जाने दो उसको होगली बिड़ो बोलते हैं। इधर होगली बिड़ो बोलते हैं, तो वही मुझे जाने दो तो नन्नन्नु होगलु बिडू करके बोलते हैं। यदि आप बोलेंगे उसको जाने दो, तो अवनन्नु होगलु बिडू अथवा अवलन्नु होगलु बिडू करके बोलते हैं। तो मुझे जाने दो, नन्नन्नु होगलु बिडू। तो कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो करके बोल रहे हैं। तो उसको स्वल्पवादर योचने माड़ो करके बोलते हैं। तो कुछ तो ख्याल करो अथवा कुछ तो सोचो, जब कोई भी नाराजगी होता है तो बोलते हैं तो कुछ तो ख्याल करो या कुछ तो सोचो, उसको कन्नड़ में स्वल्पवादर योचने माड़ू बोलते हैं। तो कुछ तो सोचो, तो कुछ तो उसको स्वल्पवादर करके बोलते हैं। तो सोचो योचने माड़ू, तो कुछ तो ख्याल रखो अथवा कुछ तो सोचो, उसको कन्नड़ में स्वल्पवादर योचने माड़ू बोलते हैं। तो कुछ तो उसको स्वल्पवादर बोलते हैं। तो ख्याल करो अथवा सोचो उसको योचने माड़ू बोलते हैं। तो कुछ तो ख्याल करो उसको स्वल्पवादर योचने माड़ो करके बोलते हैं। तो जरा रुको, जरा रुको, तो जरा स्वल्प, रुको निल्लू, तो जरा रुको स्वल्प निल्लू बोलते हैं। वही जरा रुकिए उसको स्वल्प निल्ली करके बोलते हैं। तो कभी मत बोलो, कभी मत बोलो, तो कभी इंदिगो, मत बोलो मरिया बेड़ा, मत बोलो उसको मरिया बेड़ा बोलते हैं। तो कभी मत बोलो, इंदिगो मरिया बेड़ा करके बोलते हैं। तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, उसको कन्नड़ में चिंतिसा बेड़ा करके बोलते हैं। तो चिंता को कन्नड़ में चिंते बोलते हैं। तो चिंता मत करो उसको चिंतिसा बेड़ा करके बोलते हैं। फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, तो फिर को कन्नड़ में मरली अथवा मत्ते करके बोलते हैं। तो फिर उसको मरली अथवा मत्ते बोलते हैं। तो कोशिश करो प्रयत्निसु, कोशिश करो प्रयत्निसु, तो फिर कोशिश करो उसको मरली प्रयत्निसु अथवा मत्ते प्रयत्निसु करके बोलते हैं। तो फिर कोशिश करो उसको मरली प्रयत्निसु अथवा मत्ते प्रयत्निसु, इवन पुनः प्रयत्निसु भी बोलते हैं। तो मरली प्रयत्निसु, मत्ते प्रयत्निसु अथवा पुनः प्रयत्निसु करके बोलते हैं। तो फिर कोशिश करो उसको मरली प्रयत्निसु, मत्ते प्रयत्निसु अथवा पुनः प्रयत्निसु करके बोलते हैं। थोड़ा इंतजार करो अथवा थोड़ा टहरो, उसको कन्नड़ में स्वल्प खातिरु अथवा स्वल्प टाळु करके बोलते हैं। तो इधर थोड़ा इंतजार करो अथवा थोड़ा टहरो, उसको स्वल्प खातिरु अथवा स्वल्प टाळु करके बोलते हैं कन्नड़ में। तो इधर टहरो उसको टाळु करके बोलते हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करो अथवा थोड़ा टहरो, उसको कन्नड़ में स्वल्प खातिरु अथवा स्वल्प टाळु करके बोलते हैं। तो मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो, तो मुझे ननगे, उत्तर उत्तर, दो खोडू, तो मुझे उत्तर दो ननगे उत्तर खोडू, वही मुझे उत्तर दीजिए उसको ननगे उत्तर खोड़ी करके बोलते हैं। तो मुझे उत्तर दो ननगे उत्तर खोडू बोलते हैं, वही मुझे उत्तर दीजिए उसको ननगे उत्तर खोड़ी करके बोलते हैं। तो जरा और टहरिए, तो जरा और टहरिए, जरा उसको स्वल्प करके बोलते हैं। इधर और इन्नू करके बोल रहे हैं। तो जरा और इन्नु स्वल्प टहरिए खादिरी अथवा ताली करके बोलते हैं। तो जरा आओ इन्नु स्वल्प टहरिए खादिरी अथवा ताली, तो जरा और टहरिए उसको इन्नु स्वल्प खादिरी अथवा इन्नु स्वल्प ताली करके बोलते हैं। तो जगह खाली करो, जगह खाली करो, उसको जगह, उसको जागा करके बोलते हैं। तो खाली करो खाली माड़ो, तो जगह खाली करो उसको जागा खाली माड़ो करके बोलते हैं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तो शर्म को कन्नड़ में नाचिके करके बोलते हैं। शर्म को नाचिके, वही मुझे उसको नन्नन्नु बोलते हैं। मुझे नन्नन्नु, तो मुझे शर्मिंदा मत कीजिए उसको नन्नन्नु नाचिके गोड़ीसा बेड़ी करके बोलते हैं।
तो मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, उसको नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ी, इधर मत कीजिए उसको बेड़ी करके बोलते हैं। यदि आप बोलेंगे मत करो उसको बेड़ा करके बोलते हैं, जैसा मुझे शर्मिंदा मत करो उसको नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ा बोलते हैं। नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ा, तो ये मुझे शर्मिंदा मत कीजिए उसको नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ी करके बोलते हैं। इधर मत कीजिए बेड़ी करके बोल रहे हैं, यदि मत करो उसको बेड़ा करके बोलते हैं। तो मुझे शर्मिंदा मत करो उसको नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ा बोलते हैं, वही मुझे शर्मिंदा मत कीजिए उसको नन्नन्नु नाचिकी गोलिसबेड़ी करके बोलते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी उसको निमिष्टदंते करके बोलते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी, तो मर्जी उसको इष्टा करके बोलते हैं, तो आपकी मर्जी निमिष्टा बोलते हैं। जैसी आपकी मर्जी उसको निमिष्टदंते करके बोलते हैं। तो मर्जी इष्टा, आपकी मर्जी निमिष्टा, तो जैसी आपकी मर्जी निमिष्ट दंते करके बोलते हैं। तो फिर आना उसको मत्ते बा, फिर आना मत्ते बा अथवा मरली बा अथवा पुनः बा करके बोलते हैं। तो फिर आना उसको मत्ते बा, मरली बा अथवा पुनः बा करके बोलते हैं। तो मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, मूर्ख को मूर्खा करके बोलते हैं। मत बनो आगबेड़ा, तो मूर्ख मत बनो उसको मूर्ख नागबेड़ा करके बोलते हैं। तो मूर्ख मत बनो उसको खनड़ा में मूर्ख नागबेड़ा करके बोलते हैं। तो संपर्क में रहना, संपर्क में रहना जैसे बोलते हैं कीप इन टच, उसको खनड़ा में संपर्क दल्ली इरु करके बोलते हैं। तो संपर्क में रहना, रहना उसको इरु बोलते हैं। तो संपर्क में, संपर्क दल्ली, तो रहना इरु, तो संपर्क में रहना उसको संपर्क दल्ली इरु करके बोलते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, तो उसको खनड़ा में अपने आप पर निन्न मेले करके होता है। अपने आप पर निन्न मेले भरोसा रखो नंबिके इरली करके बोलते हैं। तो अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, उसको खनड़ा में मत्तोबर विषय के तले हाकवेड़ा करके बोलते हैं। मत्तोबर विषय के तले हाकवेड़ा, तो इधर अपने काम से काम रखो इसका मतलब अपना काम करो, दूसरों के विषय में मत जाओ। इधर दूसरों के उसको खनड़ा में मत्तोबरा बोलते हैं। दूसरों के मत्तोबरा विषय में, विषय के मत जाओ, इधर मत जाओ उसको खनड़ा में तले हाक बेड़ा करके बोलते हैं। तो सिर को तले करके बोलते हैं, तो तले हाक बेड़ा, सिर मत रखो उसको तले हाक बेड़ा करके बोलते हैं। तो इसका मतलब दूसरों के विषय में मत जाओ, अपने काम से काम रखो, उसको खनड़ा में मत्तोबर विषय के तले हाक बेड़ा करके बोलते हैं। तो अपने काम से काम रखो, तो उसको मत्तोबर विषय के तले हाक बेड़ा। तो इधर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, मगर इसी तरह का मीनिंग, जैसे हिंदी में तो अपने काम से काम रखो बोलते हैं, तो इसी तरह का वाक्य का मीनिंग कन्नड़ में तो मत्तोबर विषय के तले हाक बेड़ा ये प्रचलित है। तो इधर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो अपने काम से काम रखो, तो इसी तरह का तो प्रचलित वाक्य कन्नड़ में मत्तोबर विषय के तले हाक बेड़ा होता है। तो मत्तोबर मतलब दूसरों का, तो विषय के विषय में तो तले हाक बेड़ा उसको मत जाओ। तो अपने काम से काम रखो, दूसरों के विषय में मत जाओ, उसको कन्नड़ में मत्तोबर विषय के तले हाक बेड़ा करके बोलते हैं। तो अपनी मन की बात कहो, तो कन्नड़ में अपनी उसको निन्ना करके बोलते हैं। तो मन की मनसिनल्लिरुवा, तो मन की मनसिनल्लिरुवा करके बोलते हैं। तो मन को कन्नड़ में मनसो करके बोलते हैं। तो मन की मनसिनल्लिरुवा, तो बात कहो मातु हेलु, तो अपनी मन की बात कहो, तो निन्न मनसिनल्लिरुवा मातु हेलु करके बोलते हैं। तो अपनी निन्ना मन की मनसिनल्लिरुवा, तो मन को मनसो करके बोलते हैं। तो मन की उसको मनसिनल्लिरुवा, तो बात मातु कहो हेलु, तो अपनी मन की बात कहो, तो इधर निन्न मनसिनल्लिरो मातु हेलु करके बोलते हैं। तो तकलीफ मत लो, तकलीफ मत लो, तो तकलीफ उसको तोंदरे करके बोलते हैं। तकलीफ को तोंदरे, तो मत लो तगोबेड़ा, मत लो तगोबेड़ा, तो तकलीफ मत लो तोंदरे तगोबेड़ा करके बोलते हैं। तकलीफ मत लो उसको तोंदरे तगोबेड़ा करके बोलते हैं। तो दिल खोल कर दान करो, दिल खोल कर दान करो, उसको खनड़ा में धाराल मनसिनिंद दान माडु करके बोलते हैं। धाराल मनसिनिंद दान माडु, इधर दान करो उसको दान माडु करके बोलते हैं। तो दिल खोल कर दान करो अथवा उदार मन से दान करो,
तो दिल खोलकर दान करो अथवा उदार मन से दान करो, तो दोनों एक ही होता है। तो उदार मन से उसको खनड़ा में दाराला मनस्सी निंदा करके बोलते हैं, तो उदार उसको दाराला बोलते हैं। तो मन से मनस्सी निंदा, तो दान करो दाना माड़ू, तो दिल खोलकर दान करो अथवा उदार मन से दान करो उसको खनड़ा में दाराला मनस्सी निंदा दाना माड़ू करके बोलते हैं। तो दिल खोलकर दान करो अथवा उदार मन से दान करो उसको खनड़ा में दाराला मनस्सी निंदा दाना माड़ू करके बोलते हैं। तो कृपया मेरी सहायता करे, तो कृपया मेरी सहायता करे, तो कृपया उसको दयविट्टु बोलते हैं। तो मेरी ननगे सहायता सहाय करे माड़ी, तो कृपया मेरी सहायता करे उसको कन्नड़ में दयविट्टु ननगे सहाय माड़ी करके बोलते हैं। तो कृपया दयविट्टु मेरी ननगे सहायता सहाय करे माड़ी, तो कृपया मेरी सहायता करे उसको दयविट्टु ननगे सहाय माड़ी करके बोलते हैं। तो सावधानी से काम करो, सावधानी से काम करो, तो उसको एच्चरिके इंदा केलसा माड़ू बोलते हैं। तो सावधानी से उसको एच्चरिके इंदा बोलते हैं, सावधानी से नहीं तो ध्यान से, तो काम करो उसको एच्चरिके इंदा केलसा माड़ू, तो सावधान से नहीं तो ध्यान से उसको एच्चरिके इंदा करके बोलते हैं। तो काम करो केलसा माड़ू, तो सावधानी से काम करो एच्चरिके इंदा केलसा माड़ू करके बोलते हैं। तो जरा हाथ लगाओ, जरा हाथ लगाओ उसको कन्नड़ा में स्वल्प कई हाको करके बोलते हैं। तो जरा उसको स्वल्प बोलते हैं, हाथ लगाओ कई हाको, तो हाथ को कई करके कन्नड़ा में बोलते हैं। तो लगाओ हाको, तो जरा हाथ लगाओ उसको स्वल्प कई हाको करके बोलते हैं। तो जरा हाथ लगाओ मतलब मदद मांग रहे हैं आपसे, तो आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, तो कन्नड़ा में स्वल्प कई हाको करके बोलते हैं। तो जरा हाथ लगाओ उसको स्वल्प कई हाको करके बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो उसको खनड़ा में अर्थ माड़ी कोल्ललु प्रयत्निसु करके बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करो उसको अर्थ माड़ी कोल्ललु प्रयत्निसु, इधर कोशिश करो उसको प्रयत्निसु करके बोलते हैं। तो समझने का तो अर्थ माड़ी कोल्ललु बोलते हैं, तो समझ उसको अर्थ करके बोलते हैं। तो समझने का अर्थ माड़ी कोल्ललु, तो कोशिश करो प्रयत्निसु, तो समझने का कोशिश करो उसको खनड़ा में अर्थ माड़ी कोल्ललु प्रयत्निस करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा, यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।